उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में सोमवार को नगर में दशहरे मेले के एक दिन बाद लगने वाले मीना बाजार में महिलाओं ने जमकर खरीदारी की। क्षेत्र व आसपास के गांव की महिलाओं ने मेले में टिक्की, चाट, आइसक्रीम, गोलगप्पे, झूलों आदि का मजा लिया। नगर में लगने वाला मीना बाजार उत्तराखंड का एकमात्र ऐसा मेला है जहां सिर्फ महिलाएं ही खरीदारी करती हैं। इस मेले में पुरुषों का आना वर्जित होता है। वहीं अपने परिवार के साथ आए पुरुषों को कमेटी द्वारा कार्यालय में बैठने की व्यवस्था की जाती है और महिलाओं को खरीदारी के लिए मेले में भेज दिया जाता है। वहीं चौकी इंचार्ज संदीप शर्मा ने बताया कि महिला मेले में महिलाओं की सुरक्षा के लिए महिला पुलिसकर्मी व चौकी पुलिस तैनात रही। यहाँ पर स्वामी सूरदास जी हुआ करते थे, उन्होंने यहाँ पर कुछ वर्षों तो रामायण कराई, उसके बाद में उन्होंने बड़े बड़े लोगों में रामलीला करना सिखाया और रामलीला का मंचन उन्हीं की देन है, उन्हीं के द्वारा यहाँ की रामलीला का प्रारंभ हुआ और ये लगभग 100 वर्षों के करीब से लगातार कंटिन्यू रामलीला चली आ रही है। और यहाँ पर जो दशहरा एक दिन बाद होता है उसका मुख्य कारण ये है कि यहाँ पर दुकानदार नहीं हुआ करते थे, इसी वजह से जिस काशीपुर और पाँचपुर मेला हुआ करता था हमारे यहाँ दुकानदार नहीं आते थे, इसलिए मेले को एक दिन आगे बढ़ा दिया गया। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।